साला लइकवन के ना हमरा ज्यादा जरूरी बा। अरे जा स्टूडेंट हो सर पानी आ गया अंग्रेजों की चंगुल से ये देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ था। इसी मौके से हम आज भी 15 अगस्त है और हम हर 15 अगस्त को इस देश की आज़ादी की खुशियां मनाया करते हैं और तिरंगा हम लहराते हैं। जब इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे शहीद भगत सिंह, 21 साल की जवानी की उम्र में अंग्रेजों ने उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया था। जब शहीद भगत सिंह को वक्त मुकर्रा से पहले फांसी के लिए ले जाया जा रहा था,
तब भी शहीद भगत सिंह ने इनकलाब और जिंदाबाद का नारा लगाया था और खुशी खुशी इस देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को चूमा था और फांसी पे अपने आप को लटका दिया था। मेरे मोहतरम, इसी देश की आज़ादी की खातिर महात्मा गांधी ने अपने आप को भूखा प्यासा रखा था और इसी देश की खातिर कई सारे उलमाए किराम को दरख्तों पर लटका दिया गया था और कई सारे उलमाए किराम को कत्ल कर दिया गया था और इसी देश की खातिर शहीद अशफाकुल्ला खां को भी अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके अहमदाबाद की जेल में बंद कर दिया था। तब जाकर ये देश आज़ाद हुआ और हम यहाँ पे आज़ादी से रहते हैं। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम इस देश में भाईचारा कायम रखें और जब भी ऐसा मौका आए देश की तरक्की की बात चले तो हम उसमें हमाकन मुतवज्जे हों और अपनी सारी की सारी कुर्बानियां पेश करें। ये देश नफरत और अदावत से नहीं बनता मेरे मोहतरम, ये देश तो जब बनता है जब मंदिर में घंटी बजाई जाती है, मस्जिदों से अजान की आवाज़ें बुलंद होती है और गिरजाघर में भजन गाया जाता है। इन तमाम को मिलाकर ये देश हमारा एक मुल्क हिंदुस्तान बनता है। ये देश नफरत और अदावत की हरगिज इजाज़त नहीं देता। ये जमहूरी देश है, इसमें सारे के सारे मजाहिब को पूरी छूट है कि वो अपने तौर से जिस तरीके से चाहे यहाँ पर ज़िंदगी गुजर बसर करे। मैं इन्हीं तमाम बात पर अपनी तकलीफ को ख़त्म करना चाहता हूँ। आमीन वाद्रुल आवार अलहमदिल्ला।